नमस्कार, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज का टॉपिक है कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस, या हम कह सकते हैं पेरिफेरल डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। अब पेरिफेरल क्या होता है? हम जानते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। कंप्यूटर परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। कंप्यूटर हैज़ 1000 टू अबव पार्ट्स। एक कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे पार्ट लगे होते हैं। यदि हम बात करें, एक फिगर में ये फिगर मॉनिटर हो गया, सेकेंड इज सीपीयू, थर्ड इज कीबोर्ड एंड माउस। ध्यान देंगे, सीपीयू इज द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ये हमारे कंप्यूटर का मेन पार्ट है, कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, मैनेज करता है, स्टोर करता है, कोई भी डिसीजन, कोई भी डायरेक्शन लेने का काम करता है, यानी कि परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ वर्क। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन होता है, तो वास्तव में कह सकते हैं सीपीयू ही हमारे कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। व्हाट इज द पेरिफेरल? पेरिफेरल डिवाइस, दिस डिवाइस वी कैन ऐड, वी कैन ऐड द इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द सीपीयू, यानी कि वह सारे पार्ट जो हमारे सीपीयू के अंदर या सीपीयू के बाहर जो जोड़े जाते हैं, उसे हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। यदि सीपीयू के अंदर हम बात करें, तो सीपीयू के अंदर हमें हमें क्या होता है? इसके अंदर मदरबोर्ड होता है। सीपीयू के अंदर हमारा क्या होता है? मदरबोर्ड। इसके अंदर क्या होता है? SSD होता है, FDD होता है, फिर आपका CD होता है, DVD होता है, DVD ROM होता है। इसके अलावा हमारे पास SMPS होता है, SMPS होता है, इसके अलावा RAM होता है, ROM होता है, ETC, यानी कि 1000 टू अबव पार्ट्स कंप्यूटर में लगे होते हैं। अब बाहर की बात करें, तो माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, साउंड, ये सारे पार्ट, ऑल पार्ट कॉल्ड पेरिफेरल ऑफ डिवाइस, यानी कि जो पार्ट सीपीयू के अंदर और सीपीयू के बाहर जो पार्ट लगाए जाते हैं, उन्हें हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। पेरिफेरल, अब हमारे कंप्यूटर में तीन प्रकार के पार्ट्स लगाए जाते हैं। इन दिस वे थ्री मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच टेक प्लेस ऑफ पेरिफेरल डिवाइस, यानी कि तीन प्रकार के पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। पहला इनपुट, आउटपुट एंड मेमोरी डिवाइस। व्हाट इज इनपुट? इनपुट इनपुट को जानने के लिए एक हम छोटा सा फिगर बनाएंगे। ये हमारा है सीपीयू। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू इज द स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दैट इज मॉनिटर। हियर इज द कीबोर्ड। वी आर कनेक्टिंग बाय द वन एरो। इफ वी वॉन्ट कैलकुलेट द टू वैल्यू, 1 प्लस 1, देन वी कैन टाइप बाय द कीबोर्ड 1 प्लस 1। यदि हम चाहते हैं कि हम दो वैल्यू को कैलकुलेट करें, एक और एक कितने होते हैं, तो कीबोर्ड के माध्यम से हम इस बटन को दबाएंगे। यह हमारे सीपीयू के अंदर इस सूचनाओं को ले जाने का काम कौन करेगा? कीबोर्ड।
यह सूचनाएं पहुंचेंगी सीपीयू के पास और सीपीयू इसे कैलकुलेट करेगा, और कैलकुलेट करने के बाद इस रिजल्ट को यहाँ से मॉनिटर पर ट्रांसफर करेगा, और ट्रांसफर करते ही हम यहाँ पर रिजल्ट को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हमने पुट किया 1+1, यहाँ पे प्रोसेस हुआ और यहाँ पर रिजल्ट आया, यानी कि इनपुट डिवाइस ये इन करने का काम किया, यानी कि जहाँ इनपुट डिवाइस विच डिवाइस वी कैन फीड द डेटा इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस, यानी कि कंप्यूटर का वह भाग जिससे सूचनाओं को कंप्यूटर में भेजा जाता है, इन किया जाता है, इंटर किया जाता है, दैट इज इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर का वह भाग जहां पर रिजल्ट को प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस। दिस डिवाइस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम वी कैन सी द रिजल्ट, वी कैन फाउंड द रिजल्ट, जहां पर हम रिजल्ट को प्राप्त करते हैं उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। इन माने अंदर की तरफ, सूचनाओं को यहाँ हम अंदर की तरफ भेज रहे हैं, तो वह कंप्यूटर का वह भाग जिसे सूचनाओं को कंप्यूटर में भेजा जाए, इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर का वह भाग जहाँ पर रिजल्ट को प्राप्त किया जाए वहाँ पर हम आउटपुट डिवाइस उसे कहेंगे। वेयर वी कैन मेक द रिजल्ट दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। सीपीयू इज द वन टाइप ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस। वेयर वेयर ऑल द रिजल्ट विल बी मेड, यानी कि सीपीयू वह स्थान है जहां पर किसी भी रिजल्ट को बनाया जाएगा और बनाया जाता है। अब हम बात करेंगे इनपुट डिवाइस। विस डिवाइस वी कैन फीड द डेटा इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। फर्स्ट इज द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ इनपुट डिवाइस इज कीबोर्ड, यानी कि सबसे अधिक हम किसका प्रयोग करते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में कितने डिवाइस आते हैं पहले इसको हम देखेंगे। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ओसीआर, बीसीआर, एमआईसीआर, माइक्रोफोन, कैमरा, इनका प्रयोग हम इनपुट डिवाइस के प्रयोग करते हैं, मतलब इनका प्रयोग हम इनपुट डिवाइस के रूप में करते हैं। इनपुट डिवाइस करता क्या है, किसी भी सूचनाओं को कंप्यूटर में भरने का काम करता है। पहला जो इनपुट डिवाइस है उसका नाम है कीबोर्ड। व्हाट इज द कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड में क्या क्या की पाए जाते हैं, इसमें अल्फाबेट पाया जाता है। ध्यान देंगे अल्फाबेट, यानी कि A to Z, या हम कह सकते हैं अ से लेकर ज्ञ तक, यानी कि किसी भी भाषा के जो लेटर होते हैं उसे हम अल्फाबेट की के माध्यम से पुट करते हैं। कोई भी नंबर, नंबर की बात करेंगे 0 to 9, किसी भी वैल्यू को पुट करने के लिए हम कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं, यानी कि किसी भी भाषा को टाइप करने के लिए हम कीबोर्ड का प्रयोग करेंगे। किसी भी नंबर को पुट करने के लिए हम कीबोर्ड का प्रयोग करेंगे। कोई भी सिंबल हमारे सामने, कोई भी सिंबल हो, कोई भी पिक्चर हो, उसको हम पुट करने के लिए हम कीबोर्ड का प्रयोग करेंगे। तो कीबोर्ड वेयर वी कैन फीड द अल्फाबेट, नंबर, इंस्ट्रक्शन एंड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल, यानी कि कीबोर्ड के माध्यम से हम किसी भी लेटर को, किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को, किसी भी नंबर को, किसी भी ग्राफिक को हम कंप्यूटर में फीड करने का काम करते हैं। किसी भी कीबोर्ड में 104 से अबव की होती हैं, यानी कि कीबोर्ड दो प्रकार का होता है, एक नॉर्मल कीबोर्ड होता है और एक आपका मल्टीमीडिया। तो नॉर्मली कीबोर्ड में 104 या 104 से अधिक की कीबोर्ड पाए जाते हैं। व्हाट इज द माउस, माउस इज द पॉइंटिंग डिवाइस, माउस इज द पॉइंटिंग डिवाइस। यदि हम बात करें तो हमारे मॉनिटर के ऊपर, यदि हमारा ये मॉनिटर है, इस मॉनिटर के ऊपर एक एरो के रूप में एक हमें तीर दिखाई देता है। ये जो एरो होता है, ये एरो एक माउस के सिंबल को दिखाता है, और जैसे ही हम माउस रोटेट करते हैं यह एरो भी हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर रोटेट होता है। तो माउस कीबोर्ड एंड माउस इज द
इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। सीपीयू इज द प्रोसेसिंग डिवाइस, मॉनिटर इज द आउटपुट डिवाइस। वेयर वी कैन फीड द डेटा बाय इनपुट डिवाइस, गेट द रिजल्ट बाय आउटपुट डिवाइस, मेक द रिजल्ट बाय प्रोसेसिंग डिवाइस। माउस इज द पॉइंटिंग डिवाइस, डिटेक्ट टू डायमेंशनल मोशन रिलेटेड टू सरफेस। यदि हम ऐसे समझते हैं कि माउस क्या होता है, माउस इज द पॉइंटिंग डिवाइस। यदि हम देखें एरो में एक पॉइंट बनता है, स्क्रोल इन द मॉनिटर एरिया एंड कंट्रोल द एवरी आइटम, एवरी आइकन, एवरी पिक्चर्स। वी कैन ड्रॉ द पिक्चर, ड्रॉ द पेंटिंग, ट्रांसफर द डेटा, वी कैन पुट द डेटा बाय इनपुट बाय द माउस। यानी कि माउस क्या करता है, हमारे स्क्रीन पर एक एरो के रूप में घूमता है, या हमारे किसी भी आइटम को, किसी भी आइकन को, किसी भी पिक्चर को, किसी भी फाइल को कंट्रोल करने का काम करता है, साथ में उसे ट्रांसफर करने का काम करता है। मेनली इसका प्रयोग हम किसी भी ड्राइंग को, किसी भी पेंटिंग को बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। माउस हैज़ टू और थ्री बटन, माउस के पास दो या तीन बटन होते हैं। पहला राइट बटन, सेकेंड इज द लेफ्ट बटन, थर्ड इज द स्क्रोल बटन। राइट बटन ओपन मीनू, यानी कि किसी फाइल या फोल्डर के का यदि मीनू खोलना है, यानी कि मीनू इज द फैसिलिटी, माने उस फाइल या फोल्डर के साथ हम किस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं, क्या क्या कार्य कर सकते हैं, उसके लिस्ट को दिखाने का कार्य हमारा मीनू करता है, यानी कि राइट बटन। यानी कि यदि कोई फोल्डर है उसके ऊपर हमने किया, तो पहला ऑप्शन आएगा ओपन, एक्सप्लोर, कट, कॉपी, पेस्ट इटीसी। यानी कि यहाँ पर विभिन्न ऑप्शन जो आते हैं यह राइट बटन के माध्यम से आता है। लेफ्ट बटन क्लिक ऑन, ओके, सेलेक्ट, इंटर, यानी कि किसी भी फाइल या फोल्डर को हमें सेलेक्ट करना है, ओके करना है, एंटर करना है, तो हम सिंगल या डबल क्लिकिंग के माध्यम से, हम माउस के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। स्क्रोल, स्क्रोल इज द यूज फॉर द मूव द पेज अप एंड डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट। यानी कि पेज को अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट करने के लिए हम माउस का प्रयोग करते हैं। व्हाट इज द जॉयस्टिक, जॉयस्टिक लुक लाइक दिस फिगर। जॉयस्टिक इज द वन टाइप ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस, वी कैन यूज द कंट्रोल द, वी कैन यूज इन प्लेइंग गेम। यानी कि इसका सबसे अधिक प्रयोग हम किस में करते हैं, गेम को खेलने के लिए करते हैं। कनेक्टेड बाय द वन लीवर एंड जॉयस्टिक हैज द मेनी स्मॉल बटन ऑन द टॉप ऑफ जॉयस्टिक। यानी कि इसके ऊपर एक विभिन्न प्रकार के बटन लगे होते हैं, एक लीवर की तरह काम करता है, जिसे यदि हम राइट दबाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट राइट की तरफ जाता है, यदि हम आगे दबाते हैं फ्रंट की तरफ जाता है, पीछे दबाते हैं तो बैक की तरफ जाता है, राइट दबाते हैं तो राइट, लेफ्ट दबाते हैं तो लेफ्ट। यानी कि किसी भी गेम के ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं। व्हाट इज द लाइट पेन, लाइट पेन इज द इनपुट डिवाइस, यूज फॉर द ड्रॉ द एनी टाइप ऑफ मार्किंग, एनी टाइप ऑफ हाईलाइटिंग द ऑब्जेक्ट ऑन द मॉनिटर। यानी कि हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर या हमारे किसी भी कॉन्टिन्यूस प्रोग्राम के ऊपर यदि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना है या हमें ड्रॉ करना है, कोई पेंटिंग करनी है, कोई स्क्रीनिंग करनी है, तो हम लाइट पेन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इज द स्कैनर, स्कैनर स्कैन द हार्ड कॉपी। स्कैन मीन्स द कॉपी द हार्ड कॉपी इमेज
एंड इंटर द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि किसी भी हार्ड कॉपी को स्कैन करना, कॉपी करना और उसे कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए हम स्कैनर का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि कोई फोटो हमारे पास है, उस फोटो को हम चाहते हैं कि वह हमारे कंप्यूटर में इंटर कर जाए, तो स्कैनर मशीन इस प्रकार की बनी होती है। इस स्कैनर मशीन के ऊपर हम किसी भी फोटो को रखते हैं। जैसे उस फोटो को हम रखते हैं और इसको हम सीपीयू के माध्यम से जोड़ देते हैं, और इसे मॉनिटर के ऊपर जब हम इसे कंट्रोल करके बटन दबाते हैं उस सॉफ्टवेयर को, तो यह फोटो कॉपी होकर हमारे सीपीयू के अंदर स्टोर हो जाता है और मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है। तो किसी भी हार्ड कॉपी को कॉपी करने के लिए, स्कैन करने के लिए हम स्कैनर मशीन का प्रयोग करते हैं। माइक्रोफोन यूज फॉर द इंसर्ट द वॉइस साउंड, एनी स्पीच, एनी टाइप ऑफ वॉइस मैसेज फीडिंग इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि यदि किसी आवाज को, किसी भी गीत को, संगीत को, आवाज को या बोल को यदि हमें कंप्यूटर में स्टोर करना है, तो हम माइक का प्रयोग करते हैं और माइक पर जो भी बोला जाता है वह सीपीयू में स्टोर करने का काम माइक करता है। व्हाट इज द कैमरा? कैमरा कैप्चर द इमेज, कैमरा कैप्चर द इमेज इन वीडियो एंड स्टिल ग्राफी, स्टिल पिक्चर एंड वीडियो पिक्चर्स। यानी कि कैमरा क्या करता है, किसी भी इमेज को कैप्चर करता है। वह इमेज या तो स्टिल होगी या तो वीडियो होगा। कैमरा दो प्रकार के होते हैं, एक डिजिटल कैमरा, एक वेब कैमरा। डिजिटल कैमरे का प्रयोग हम नॉर्मली रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी के लिए करते हैं, जो डेली हम घर और बिजनेस में प्रयोग करते हैं। वेब कैमरा स्पेशली यूज फॉर ऑनलाइन यूजिंग फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंस, जहाँ पर हम ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से हम ऑडियो और वीडियो को हम ट्रांसफर करने के लिए हम वेब कैमरे का प्रयोग करते हैं। व्हाट इज द ट्रैक बॉल? ट्रैक बॉल इज द पॉइंटिंग डिवाइस यूज टू प्ले द गेम। यानी कि जैसे जॉस्टिक का प्रयोग हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, वैसे ही इस जॉस्टिक के ऊपर ये जो ट्रैक बॉल लगा होता है, इसको जिस डायरेक्शन में हम मूव करते हैं उस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट जाता है और ऊपर लगे हुए बटन के माध्यम से उसे प्ले करके हम खेलते हैं। बार कोड रीडर मशीन, यानी कि आज हम डेली किसी भी मॉल में, किसी भी ऐसे शॉपिंग मॉल में जाते हैं या किसी भी शॉप पे जाते हैं, तो वहाँ सभी प्रोडक्ट पर एक बार कोड लगा होता है और बार कोड को स्कैन करने का कार्य हमारा बार कोड रीडर मशीन का होता है। इस बार कोड में क्या होता है? यह बार कोड यह बताता है कि आपके प्रोडक्ट का नाम क्या है, किस प्रोडक्ट को किस कंपनी ने बनाया है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कब हुई है, एक्सपायरी क्या हुई है, इसकी डेट क्या है, इसका जियोग्राफिकल एरिया क्या है, इसका मैन्युफैक्चरिंग का डिटेल बताने का काम करता है, और सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसके सारे मतलब उसके रेट, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसके डिटेल को भी फीड करने का काम करता है। और बिलिंग में भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं और इसके माध्यम से हम किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट इज द ओसीआर? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर के माध्यम से ऑप्टिकल ओसीआर इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्वेंशन ऑफ इमेज टाइप हार्ड राइटिंग और प्रिंटिंग टेक्स्ट इनटू द मशीन इनकोड टेक्स्ट बाय द स्कैनर डॉक्यूमेंट मोस्टली यूज इन द ओएमआर सीट। यानी कि किसी भी ओएमआर सीट को के ऊपर हम जो फीडिंग करते हैं, व्हाट इज द ओएमआर? ओएमआर इज द वन टाइप ऑफ आंसर पेपर ऑफ एग्जाम। यू कैन फीड द यू कैन चूज द वन ऑप्शन एंड यू कैन फील द डार्क ब्लैक कलर इन वन ऑप्शन बॉक्स।
यानी कि ओएमआर सीट क्या होती है, जिसके अंदर ए बी सी और डी जैसे ऑप्शन बने होते हैं। हम क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पढ़ते हैं, उनमें से कोई एक आंसर यदि सही होता है ऑब्जेक्टिव में, उसे हम डार्क में ब्लैक कर देते हैं, और इस आंसर शीट को जांचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सीट का प्रयोग करते हैं, जिसका नाम क्या है, ओ एम आर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। यानी कि ओएमआर के माध्यम से हम इस पेपर को भरते हैं और ओसीआर के माध्यम से ओएमआर सीट को पढ़ने और रिजल्ट बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, यानी कि हम किसी भी बैंक में जितने भी चेक होते हैं, ड्रॉफ होते हैं, तो उनके पीछे एक विशेष कोड लगा होता है। जैसे हम बात करेंगे, एक बैंक का चेक है, इस चेक के नीचे कुछ कोड वर्ड लिखे होते हैं, कुछ सीरियल नंबर लिखे होते हैं। ये जो सीरियल नंबर होते हैं, ये MICR होते हैं। MICR माने मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, यानी कि स्पेशली मैग्नेटिक इंक होते हैं, जिनको इस स्कैनर मशीन के द्वारा रीड किया जाता है, और रीड करने के बाद यह हम जांच लेते हैं कि यह चेक ओरिजिनल है, इसका ब्रांच क्या है, किस बैंक का है, इसकी सीक्वेंस नंबर क्या है, या इसका ऑथराइज कस्टमर कौन है। ये सारी डिटेल जानने के लिए और उसको रीड करने के लिए MICR का प्रयोग करते हैं। आज इस वीडियो में हमने इनपुट डिवाइस के विषय में पढ़ा है। हम इस टॉपिक को एक बार पुनः पढ़ेंगे, इसको याद करेंगे, और यदि कोई टॉपिक में आपको दिक्कत होती है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।